Handicapped but still has the guts to be the sole breadwinner of the family. That is the story of Pooja Gupta, who was awarded for her exemplary contribution in her worksphere in the Ability Awards 2017. She has to be carried to her office every day on her father's arms, but her determination to fight all odds has surely struck a chord. Born normal, it was at the age of 6 months that a physical weakness led to her losing sensation partially. Had she wanted, she could have stayed back at home and lived on other people's pity, but she decided to live like any other person. When people are worried about the little pain and failures, Pooja Gupta is a living example of how a handicap is just a word for the brave. जिससे बहुत मोटिवेट हुआ है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारी जो सेल्फ मोटिवेशन है उससे बढ़कर नहीं है और हमें पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि पढ़ाई ही है जिसके बल पर हम कुछ कर सकते हैं क्योंकि स्पेशल बच्चे मेरे लिए पैदा होते बन गई थी जब मुझे पता चला कि मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है जी लेकिन मेरी सपने जब धूमिल हो गए 6 महीने बाद ही मुझे पता चला कि मेरी बेटी चल फिर नहीं पाएगी जी उसी दिन से मैंने ठान लिया कि तेरे किस्मत में तो विद्या का धन था नहीं लेकिन अपने इन स्पेशल बच्चों को अगर भगवान ने चाही ना तो इतनी शिक्षा दिलवाऊंगा और मेरे बच्चों ने आज तक मुझे शिक्षा के मामले में कहीं किसी की आगे हार नहीं जोड़ने पड़े अपने आप ही पहली लिस्ट में इनका नाम आ जाता था ये सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल सर परेशानी तो आती है ज़िंदगी में नॉर्मल इंसान को भी आती है तो हमें तो आई है कि जो जिनके बच्चे चल भी नहीं पाते हैं गोदी में उठाना बिठाना सो समस्याएँ हैं कि घर में परिस्थिति भी ऐसी है पैसे को लेके भी ऐसे कोई बहुत अच्छे हालात नहीं थे कभी से भी कि जो कमाया वो बच्चों पे ही लगाया कि आज शाम को कमाई करके लेके आते हैं ये और अगले दिन मैं जाके डॉक्टर को खर्च कर आती थी इन बच्चों को ले लेके घूमती रही तो समस्याएं तो हैं इनको उठा उठा के हमने अपना भी शरीर रह गया बिल्कुल लेकिन आज ये कामयाब हो गए तो अब देखते हैं कि ज़िंदगी में समस्याएं तो ऐसी आती हैं बस उनको फेस करना चाहिए Pooja Gupta was part of a group of 6 achievers who got laurels for their work in respective fields. Specially able Pooja completed her M.Com from the Ahir College. Not just Pooja but the youngest brother of the girl, Nikhil too is suffering from the same ailment. NNIS learns that it was the brother of Pooja Lokesh who wrote to Ability Foundation about his sister who then not just videographed her journey but also felicitated her. जब से बुद्धि आई तब से मेरे को पता चला है कि इसने कितनी मेहनत की है तो इसको देख देख के मेरे में भी हुआ कि मेरे को भी मेहनत करनी है उस तरह मैं अपनी बहन और छोटे भाई से सीख तो बहुत कुछ रहा हूँ मगर अगर चंद शब्दों में बताऊँ तो ये है कि जज्बा होना चाहिए क्योंकि विल पावर जो है वो एक लौती ऐसी चीज़ है कि आदमी किसी भी परिस्थिति में है चाहे पैसा है नहीं है शरीर है या नहीं है कोई साथ है या नहीं है अगर खुद की विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी कर सकते हो Despite a plethora of challenges brought forth by ataxia, a progressive condition that curtails her leg movement, she became the first in college to clear the National Eligibility Test and Junior Research Fellowship Test. Pooja cleared various bank exams and was recruited into Punjab National Bank, where she is praised as a highly productive and capable professional. She wishes to be an IAS officer someday.